नी तो वलसाडना तीथलनो दरियो तोफानी बनी गयो छे। तीथलना दरियामां उछळ्या छे ऊंचा मोजा। तीथल बीच पर प्रवासीओ माटे मनाई फरमावी देवामां आवी छे। दरियामां भरती समये दरियो तोफानी थई जतो होय छे। तालुकाओमां वरसादे झापटा पण पड्या छे तो जिल्लामां वादळછાયું वातावरण सर्जायुं छे। तो वलसाडना तीथलनो आप जोई शको छो दरिया किनारो खूब ज अत्यारे हालमां तोफानी बनी गयो छे अने भरती ओढ समये दरियो खास वधु तोफानी बनी जतो होय छे। एक तरफ हवामान विभागे आगाही करी छे वरसाद नहीं तो तालुकामां सामान्य वरसाद पण वरसी रह्यो छे। तो आप जोई शको छो दरियो खूब तोफानी थई गयो छे। आ विषय वधु माहिती माटे संवाददाता मानव ठाकोर जोड़ाई चुक्या छे। मानव जणावशो कि तीथलनो दरियो वधु तोफानी थयो छे, तंत्र केटलुं एलर्ट? जी प्रतिपाल, जे रीते हवामान विभागे आवता बे दिवस सुधी खास करीने दक्षिण गुजरात अने तेमां वलसाडनो जे दरियाकांठानो विस्तार छे तेमां भारे वरसादनी आगाही करी छे अने तेनी सौथी वधु असर अत્યારે દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે તેમાં જોવા મળી રહી છે। એમાં જે તીથલનો જે દરિયા કિનારો છે એ એક પ્રવાસન માટે ખૂબ જાણીતો છે। અહીંયા મોટી સંખ્યામાં સામાન્ય દિવસોમાં પ્રવાસીઓ આવતા હોય છે, જોકે અત્યારે તીથલનો બીચ બંધ કરવામાં આવેલો છે કારણ કે તીથલના જે દરિયો છે તેમાં 10 થી 12 ફૂટ જેટલા મોજા ઉછળી રહ્યા છે અને જે પ્રવાસીઓ જ્યાં બેસતા હોય છે જ્યાં अगर अनेक प्रकार की लारी हो त्यां पर पानी सुधी आवी गयु छे। एटले के अत्यारे जे दरियो छे तेना तोफानी मूड में जोवा मळी रह्यो छे अने तेने लईने तंत्र द्वारा तमाम जे लोकोने छे एने दरिया किनारे न आववा माटेनी सूचन करवामां आव्या छे। जी जी, आभार मानव, माहिती बदल।